नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। तेजी से बढ़ते मामले प्रशासन और लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मामलों को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है। कोरोना का आंकड़ा बढ़ा तो लोगों के जहन में चौथी लहर के आने का सवाल भी उठने लगा है। क्या वाकई में चौथी लहर आने वाली है? इस आशंका के बीच राहत की खबर ये है कि ओमिक्रॉन की वजह से 98% लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी है। ऐसे में अब हमारे लिए कोरोना का खतरा पहले की तुलना में कम हुआ है। साथ ही तीसरी लहर के आंकड़ों की तुलना में भी चौथी लहर की संभावनाएं कम है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टल गया है ये कहना अभी गलत होगा। देश में मौजूदा हालात देखें तो देश में 24 घंटे में 3,608 कोरोना के, एक दिन में महामारी से 50 मरीजों की मौत। बीते रोज 2,755 कोरोना मरीज हुए रिकवर। देश में कोरोना के 18,684 एक्टिव केस। 24 घंटे में 22,58,059 वैक्सीनेशन। भले ही देश में संक्रमण दर ज्यादा ना हो, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे हैं। 29 अप्रैल को 50 मरीजों की मौत। 28 अप्रैल को 60 लोगों की मौत। 27 अप्रैल को 39 लोगों की मौत। राजधानी के साथ लगते हरियाणा का हाल देखें तो प्रदेश में कोरोना के 624 नए मामले आए सामने। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 495 नए मरीज मिले। फरीदाबाद में 101 और रोहतक में 8 नए केस। एक दिन में कोरोना से 424 मरीज हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना के कुल 2,415 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.68%। केंद्र के अलर्ट के बाद से हरियाणा समेत तमाम राज्य एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ जरूरी सख्तियां भी बढ़ती जा रही है। सरकार की सख्ती का असर हो सके, इसके लिए लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से एक बार फिर से प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। तो बड़ा सवाल जो आज की चर्चा में उठाने वाले हैं कि क्या देश और प्रदेश में एक बार फिर से चौथी लहर दस्तक देने वाली है? क्या एक बार फिर से हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है? और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ डॉक्टर पंकज वत्स हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत नीरज के साथ करूंगी। नीरज, गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पर कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल है, क्या है आज का कोरोना अपडेट, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए बीते 24 घंटे में 495 के करीब यहाँ पे नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि सर्वाधिक मामले देश भर में जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें सर्वाधिक मामले दिल्ली एनसीआर में दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद के अंदर जरूर कोरोना की रफ्तार कम है, 24 घंटे के अंदर ये मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन गुरुग्राम तो है वो कहीं ना कहीं एक टॉप स्थिति में यहाँ पे दोबारा से दिखाई दे रहा है। 495 केस बीते 24 घंटे में दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति जरूर है कि प्रदेश सरकार, मोदी सरकार ने कहा था कि आप वैक्सीनेट करवाइए खुद को, और वैक्सीनेट कराने का फायदा कहीं ना कहीं लोगों को अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि केस बढ़ रहे हैं। गनीमत है कि मौत का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। बीते अप्रैल महीने के अंदर लगातार केस संक्रमण बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद एक भी मौत सामने नहीं आई है।
जो कि एक राहत की बात जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अब जिला प्रशासन की टेंशन जरूर बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार ये अप्रैल का आंकड़ा जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। किस तरह से पार पाया जाए इसको लेकर टास्क फोर्स की मीटिंग भी आयोजित की गई थी कल जिला प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर ये सख्त आदेश दिए गए थे कि मास्क को अनिवार्य किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जो तमाम विकल्प थे उनको दोबारा से अपनाए जाने की जरूरत है। डॉक्टर पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चौथी लहर एक बार फिर से दस्तक देने वाली है? क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग कहना है। कोई कहता है कि 2 से 3 हफ्ते में लहर आने वाली है, कोई कहता है कि नहीं, सिर्फ केसेस बढ़ेंगे, लहर नहीं आएगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर लहर आएगी तो अपने आप नहीं आएगी, लहर को तो हम लेकर आएंगे। आज की जो स्थिति है, अगर अभी भी हम संभल जाते हैं और जो सरकार ने हिदायतें दी हैं, डॉक्टर्स लोग जो हिदायतें देते हैं, अगर उसका पालन हम सब लोग करना शुरू कर देंगे तो चौथी लहर नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने लापरवाही की और इस तरह का ध्यान नहीं रखा, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, बाजारों में और मॉल्स में और बाकी में सब जगह बहुत ज्यादा भीड़ करते रहे, सब लोग एक दूसरे के बहुत करीब आते रहे, तो फिर ये लहर तो आएगी। अन्यथा अभी जो आंकड़े बोल रहे हैं, अगर अभी भी प्रिकॉशन लें तो चौथी लहर आने की संभावना नहीं है। अगर प्रिकॉशन लेंगे तो नहीं आएगी, प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम बुलावा भेज रहे हैं, वो जरूर आएगी। नीरज, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर लहर आएगी तो लोग ही लाएंगे, तो आपके गुरुग्राम में किस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? क्या लोग अभी भी मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? क्या लोग पूरी तरह से कोरोना को भूल चुके हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम में जो सूरत हाल है वो काफी डरावना है, क्योंकि जिस तरह की बात की जा रही थी मास्क को लेकर चलाने की, उस तरह की चलाने की व्यवस्था गुरुग्राम में शुरू नहीं की गई है। लोगों को तमाम तरह के गाइडेंस ये देने के बावजूद ये आंकड़े लगातार सामने रखे, लोग समझने नहीं है। तमाम इलाकों के अंदर, चाहे मैं मॉल्स की बात करूं या फिर सदर बाजार इलाकों की बात करूं, शॉपिंग मॉल्स की बात करूं, यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये भीड़ कहीं ना कहीं संक्रमण का बड़ी वजह बनी हुई है। हॉटस्पॉट भी कुछ लोग कुछ प्रोग्राम के अंदर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें की माइक्रो कंटेनमेंट जोन को भी बनाया गया है। हालांकि अब क्योंकि 10वीं और 12वीं के CBSE की परीक्षाएं भी चल रही हैं, लिहाजा जो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले बच्चे थे उनको जिला प्रशासन की तरफ से, जिला उपायुक्त की तरफ से जरूर कहा गया था कि तमाम ऐसे बच्चों को पहले कोविड के टेस्ट कराने होंगे, सैंपल्स देने होंगे, इसके बाद ही उनको उस कंटेनमेंट जोन से मूवमेंट की परमिशन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बनता जा रहा है। देखिए, एक बात और खास है इस आंकड़े के अंदर, ये जिला प्रशासन के आंकड़ों की माने तो 495 में से 10% बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ये जो संक्रमण का आंकड़ा है, ये बच्चों के अंदर जिस तरह से बढ़ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर स्कूलों से बातचीत की जा रही है, स्कूलों के अंदर कोविड जो प्रोटोकॉल है उनको किस तरह से अपनाया जा रहा है, इसको लेकर टास्क फोर्स के द्वारा मीटिंग की गई थी। स्कूलों के अंदर लगातार इस तरह की चेकिंग की जाएगी कि स्कूलों के अंदर की व्यवस्था को देखा जाएगा कि बच्चों को की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि फिर भी आंकड़ा 12 साल से 17 साल तक के बच्चों में लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। गनीमत इस बात की भी है कि सरकार ने इसको पहले से ही सुनिश्चित किया था कि बच्चों के अंदर 12 से 18 साल तक के बच्चों के अंदर अब वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। और गनीमत ये भी है कि दोनों वैक्सीन की डोज जो है ऐसे तमाम बच्चों को दी जा चुकी है। अब 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया के अंदर भी हम आ चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा है ये कम होता दिखाई दे रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती दिखाई दे रही है। डॉक्टर पंकज जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने अभी जिक्र किया कि कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कई अगर बात की जाए गाजियाबाद में ऐसे स्कूल पाए गए हैं, दिल्ली NCR में भी ऐसे स्कूल मिले हैं जहां पर बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि बच्चों को किस तरह से हम कोरोना से बचा सकते हैं? अगर बच्चों में कोरोना होता है तो उसके लक्षण क्या है और उससे बचने के उपाय क्या है? देखिए, बचने के लिए तो वही उपाय है जो एडल्ट्स को करना है।
उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाने हैं, बार बार जहां भी आप करते हैं तो हाथ धोने हैं, हैंड वॉश का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। वही प्रिकॉशंस हैं जो एडल्ट्स ने रखनी है। स्कूल में जाएं चाहे मॉल में जाएं, इन्फेक्शन के चांसेस तो उतने ही हैं, जहां पर भी लोग एक दूसरे से मिलेंगे या बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से प्रभावित होंगे। अगर स्कूल में जाएं तो भी प्रभावित होंगे, घर में जाएंगे तो भी प्रभावित होंगे। तो एक ही तरीका है कि हम लोगों को प्रिकॉशंस रखनी है, चाहे हम स्कूल में जाएं, मॉल में जाएं, घर में जाएं, कहीं पर भी रहें, हमें ये प्रिकॉशंस तो रखनी ही है। अगर लापरवाही करेंगे तो दिक्कत होगी। और वही कोरोना के जो लक्षण है, जो एडल्ट्स में लक्षण है, लगभग उसी तरह के बच्चों में भी लक्षण पाए जाते हैं। ये ठीक बात है कि जो अब जो वेरियंट आ रहा है वो उतना खतरनाक नहीं है, इसलिए सांस से संबंधित जो पहले पिछली डेल्टा वेव, पहले दूसरी वेव में जो परेशानी आई थी सांस वाले सिस्टम को लेके, सांस लेने में जो तकलीफ थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, उस तरह की समस्याएं तो इस वेरिएंट में नहीं है। लेकिन जो एडल्ट्स में साइन एंड सिम्टम्स है, लगभग वही सिम्टम्स बच्चों में भी पाए जाते हैं। जी, हमारे साथ पानीपत से संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं, पानीपत का कोरोना अपडेट क्या है जितेंद्र? देखिए, अगर मैं पानीपत की बात करूं तो इस समय जो है पानीपत के अंदर सिर्फ 3 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, और वो भी जो केस आए हैं 2 नोएडा में जॉब करते थे, और तीसरा भी जो है उसका संबंध भी कहीं ना कहीं बाहर से है। तो फिलहाल आप यहां की स्थिति ये मान सकते हैं कि यहां पर फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को गाइड किया जा रहा है कि वो लगातार एक सामान्य दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं और कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का प्रयोग भी रखें। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो कोरोना को लेकर डॉक्टर से बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो ये वेरियंट है वो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि लोग बाग जागरूक हुए हैं, उन्होंने देखिए वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है गुड़गांव फरीदाबाद की जगह अगर पानीपत की बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति फिलहाल सामान्य है। जी, गुरुग्राम से नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरुग्राम का क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा हाल है नीरज, तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए? केसेस जरूर बढ़े हैं, संक्रमण जरूर बढ़ा है, और इसको लेकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई, लेकिन एक जनमत की बात ये भी है कि अस्पतालों के अंदर जो मरीज है उनकी संख्या काफी कम है। लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन घरों में ही ठीक हो रहे हैं, ये भी एक जो अच्छी बात कही जा सकती है कि लगातार संक्रमण के अंदर लोगों के अंदर पैनिक जैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा कि तो ये वेरिएंट है ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हमने इस वेरिएंट को हल्के में लिया तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है, संक्रमण का फैलाव ज्यादा हो सकता है और कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा भी सामने दिखाई दे सकता है। जी, डॉक्टर पंकज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में अब पिछले 2 से 2.5 हफ्तों से उछाल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या इसके पीछे ओमिक्रॉन का जो नया सब वेरिएंट है उसको वजह माना जाए, या फिर जो वैक्सीन की दोनों डोसेस के बीच 9 महीने जितना लंबा गैप कर दिया है उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है उसको वजह माना जाए? नहीं, इसका तो ज्यादा प्रभाव नहीं है इम्यूनिटी कम होने का, या 9 महीने की डोज बीच में करने से इसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो आपने वैक्सीन लगा रखी है या नहीं लगा रखी है वो अपने तरीके से चलता है। वैक्सीनेशन का फायदा सिर्फ ये है कि आपको जब होता है तो उसके लक्षण जो है वो कमजोर नजर आते हैं, आपको जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होता आपके, और बहुत सीरियसनेस या आईसीयू तक जाने की स्थिति नहीं बनती है। वैक्सीनेशन का केवल इतना फायदा है, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं लगवाई है कोरोना संक्रमण अपने तरीके से चलता है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। केवल यही है क्योंकि जो एनसीआर का एरिया है यहाँ पर एक्टिविटी ज्यादा रहती है, बाहर से आने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं और एक दूसरे के करीब भी ज्यादा बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी यहाँ पर होती रहती हैं, क्राउडेड एरियाज भी यहाँ पर ज्यादा हैं, तो इसलिए इस एरिया में एनसीआर में ज्यादा बढ़ रहा है। आपके केरला के बाद मेरे ख्याल एनसीआर का ही नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ये संक्रमण तो
हम जो एक दूसरे के करीब हैं और क्राउडेड एरियाज में जाते हैं तभी संभव हो पाता है। इसका वैक्सीनेशन के साथ कोई संबंध नहीं। ठीक है जितेंद्र, पानीपत की अगर बात की जाए तो हालांकि वहां पर अभी जैसा आपने बताया स्थिति अभी काफी ज्यादा सामान्य है, तीन ही केस अभी फिलहाल वहां पर है, लेकिन अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वहां पर लोग किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, क्या लोग अभी भी मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बाजारों में पालन किया जा रहा है? देखिए अगर बाजारों की बात की जाए या सिविल हॉस्पिटल में, देखिए इस समय हम खड़े भी हैं तो कहीं ना कहीं लोग बाग सोशल डिस्टेंस का पालन भी करते हैं, लेकिन जहां तक मास्क का प्रश्न है तो कहीं ना कहीं लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। जिस तरीके से पानीपत की स्थिति सामान्य बताई गई है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हरियाणा की बात ना की जाए और पूरे भारत की बात की जाए, जिस तरीके से वेरियंट जो है कोरोना का वेरियंट लगातार, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेरियंट हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, हमें इसको साथ लेके चलना होगा। डेल्टा की जगह नए नए प्रारूप में हमारे सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम वैक्सीन लगवाएं। अब लास्ट डोज को लेकर भी हरियाणा सरकार ने कहा है कि देखिए आपको अगर तीसरी डोज जो है 18 साल से लेकर और 25 साल तक के युवाओं को भी उसमें दिया गया है कि आप डोज लगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई जा रही है। सोशल डिस्टेंस का भी आपको पालन करना होगा और ये एक ऐसा वेरियंट है कि इससे अब हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसको हमें साथ लेके चलना होगा। तो इसके लिए जरूरी जो मापदंड है वो जरूरी जो गाइडलाइन है, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, अपने आप को एक से एक डिस्टेंस रखना, दूसरा जो है मास्क को लेकर चलना, तो ये सारी चीजें जो है हमें जीवन में जरूरी इन चीजों का पालन करना होगा। और दूसरी बात ये है कि लगातार सीएमओ हो या जिला उपायुक्त हो, सबकी तरफ से समय समय पर गाइडलाइन दी जाती है कि आप जो है कोविड गाइडलाइन को लेकर जो है उसकी अनुपालना करें, क्योंकि देखिए ये वेरियंट फैल सकता है, लेकिन जहां तक डॉक्टरों ने बताया है, डॉक्टरों का कहना है कि इसको लेकर इतना खतरा नहीं है। लेकिन अब भी एक बात है, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हो सकता है। और इसके बारे में सिर्फ यही बता रहे हैं कि हल्का बुखार आता है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा डेल्टा के अंदर किस तरीके से हाहाकार देखने को मिला, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली, लेकिन अब जो है फिलहाल ये एक फोर्थ वेरियंट के रूप में जो ये हमारे सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। और लगातार यही प्रशासन की तरफ से लोगों को गुहार लगाई जा रही है, लेकिन आम पब्लिक के अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो बिना मास्क के या इधर उधर घूमते नजर आते हैं। जी नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम की बात की जाए, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो हमारे पास एकमात्र हथियार है वो है वैक्सीनेशन का, तो लोग वैक्सीनेशन के प्रति कितने जागरूक नजर आ रहे हैं और प्रशासन किस तरह से लोगों को और ज्यादा वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पहला ऐसा जिला है जहाँ पे वैक्सीनेशन 100% हो चुका है, बल्कि जो आंकड़ा दिया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से उस आंकड़े को भी पार कर चुका है। अब बूस्टर डोज का टाइम का वक्त था, अब बूस्टर डोज के लिए भी शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि बूस्टर डोज आपको पैसे देकर लगवानी पड़ेगी, लेकिन फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बूस्टर डोज को फ्री दिया जाएगा, बूस्टर डोज को फ्री लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक बूस्टर डोज के लिए जिस तरह की तैयारी प्रदेश सरकार को करनी चाहिए थी, जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी, उस तरह की तैयारी ग्राउंड जीरो पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वैक्सीनेशन बूस्टर डोज की जो वैक्सीन है वो बहुत कम मात्रा में गुरुग्राम में पहुंच रही है, जिसके चलते लोगों में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनको की कोई पहले से बीमारी है, मतलब उनको कैंसर की बीमारी है, मतलब उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, उनको एड्स की बीमारी है, इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं, उनको अगर बूस्टर डोज नहीं लग रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं पैनिक की बात जरूर है, टेंशन की बात जरूर है। लेकिन बार बार प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जरूर बूस्टर डोज जो है वो सामान्य स्थिति में आएगी, वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन कब ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी, कब ये बूस्टर डोज कब कराई जाएगी। जितेंद्र, पानीपत की अगर बात की जाए तो वहां पर वैक्सीनेशन का क्या कुछ हाल है, वहां पर लोग वैक्सीन के प्रति कितने ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं और क्या वहां पर बूस्टर डोज को लेकर लोग काफी ज्यादा जागरूक है या नहीं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों को प्रशासन ने जागरूक किया था, और वैक्सीन को लेकर मैं बता दूं, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो,
उसको लेकर भी लोग बाग जागरूक थे और लगातार जो है डॉक्टर इस पर काम कर रहे हैं। और पानीपत में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे तो जहां तक नौजवान तबका है वो लगातार जो है, मैं ये कहूंगा कि अगर 100% की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 80% नवयुवक ऐसा है जिसने वैक्सीन को लगवाया है। और बूस्टर डोज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग बाग भी आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिम्मेदारी इस चीज को लेकर समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से हाहाकार उन्होंने देखा है, आम लोगों ने देखा है, और ये पानीपत में नहीं पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं लोग, यहाँ की पब्लिक भी जागरूक हुई है। और दूसरी बात है, जिस तरीके से प्रशासन जो है लगातार मौके समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है, तो उससे भी लोगों के अंदर ये संभावना बनी है कि वो जाएं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए, अब 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको भी जो है, उनको भी कोवैक्सीन लग रही है, उसको भी डोज दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अच्छी पहल की जा रही है। और दूसरी बात, जो सिविल हॉस्पिटल में है, देखिए आज भी जो लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसको लेकर सबसे बड़ी बात यही है, मैं वही बात एक बार फिर दोहराऊंगा कि देखिए, कोरोना को लेकर सजगता हमें दिखानी होगी। इसको लेकर मास्क भी जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं सैनिटाइजर जरूरी है। और खान पीन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए आपका खान पीन भी जरूरी है। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको लेकर भी डॉक्टरों ने कहा कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अपना बचाव स्वयं करना है। जी बिल्कुल, अपना बचाव स्वयं करना है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम वैक्सीन पर चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि अगर हमने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो क्या हमें बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लगवाने की जरूरत है? इसका अलग से लगवाना क्यों जरूरी है, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, जो इम्यूनिटी, जो हम दो डोज लगवा रहे हैं तो उसके बाद जो इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है वो धीरे धीरे फेड हो जाती है, और इसलिए उस जो एंटीबॉडीज हैं शरीर में उनकी मात्रा को सही रखने के लिए, ताकि वो कोरोना से हमारे को बचा सके, उसको सही लेवल बॉडी का रखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप जो है वो 9 महीने के बाद बूस्टर डोज लगाने का प्रोविजन किया गया है, ताकि जो धीरे धीरे कमी आ जाती है एंटीबॉडीज में, उनकी कमी को पूरा किया जा सके और पुनः हम उस स्थिति में पहुंच सके जहां हम इससे बच सकते हैं। इसलिए बूस्टर डोज लगवाना इसलिए आवश्यकता है, अगर बूस्टर डोज नहीं लगाएंगे तो जो आपकी प्रतिरोधक शक्ति है वो धीरे धीरे समय के अनुसार कम होती जाती है। तो अभी तक की जो जांच की है उसको देखते हुए कहा गया है कि भी बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब ये जो प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज कह रहे हैं ये लगवाना आवश्यक है। नीरज गुरुग्राम से लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नीरज, अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या मरीज अभी भी भारी संख्या में अस्पतालों में एडमिट होने जा रहे हैं, या फिर जो अस्पतालों में भर्ती होने की जो दर है वो बेहद कम है? बिल्कुल, जैसे 1300 गुरुग्राम के अंदर 10 एक्टिव केसेस के तौर पर देखे जाते हैं, और इससे अंदर से 10 से 15 मरीज ही ऐसे हैं जो कि निजी अस्पतालों में भर्ती है या फिर और किसी अस्पताल सरकारी अस्पताल में भर्ती है। गुरुग्राम के अंदर जो अस्पतालों की व्यवस्था है वो बेहतरीन है, जो अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे उनके बिल्कुल तैयार पोजीशन पर रखा गया है। सरकारी अस्पतालों के अंदर भी जो व्यवस्थाएं हैं या पीएचसी सेंटर के अंदर भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको पहले से बेहतर किया जा चुका है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई की बात, जो क्राइसिस हमने दूसरी लहर में देखने को मिल रही थी, उसको लेकर भी प्लांट पूरी तरह से तैयार है। तो यानी ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, तमाम तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई है पहले से ही, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन गनीमत ये भी है कि संक्रमण के साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट कराया था वो कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है, और वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए हम इससे गंभीर बीमारी से न केवल जो जन है उससे जीत पाएंगे बल्कि लड़ भी पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। जी जितेंद्र, पानीपत की अगर बात की जाए तो वहां पर अस्पतालों की क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरीके के यहाँ पर अभी जो है स्थिति सामान्य है, किसी तरीके की कोरोना को लेकर कोई हलचल नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि इस समय जो है फिलहाल जो है 3 एक्टिव केस हैं, 3 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, उसको लेकर अगर हम इस समय सिविल हॉस्पिटल में ही खड़े हैं। फिलहाल जो है लोग बाग धीरे धीरे जिस तरीके से लोग बाग आते हैं, ओपीडी भी खुली हुई है, सारा काम समय अनुसार हो रहा है, बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है फिलहाल। लेकिन सजग होने की जरूरत
है जिस तरीके के से लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है और लोग बाग भी इसको इसको लेकर जो है जागरूक हुए हैं, तो वो लगातार हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं और वैक्सीन चाहे उनकी दूसरी डोज है या बूस्टर डोज हो उसके बारे में पता भी कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा भी रहे हैं जी। शुक्रिया जितेंद्र और नीरा जो आपका ग्राउंड जीरो की असलियत पहुंचाने के लिए, डॉक्टर पंकज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या देश में चौथी लहर दस्तक देने वाली है, इसी पर आज हमने चर्चा की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों और प्रशासन की चिंता को बढ़ा कर रख दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी अभी भी लापरवाही ना बरते, सावधानी बरते और बार बार हरियाणा न्यूज की तरफ से हम भी आप सभी से अपील करते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और वैक्सीन जरूर से लगवाइए। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।